तो लेडीज फर्स्ट सुन लिया जाए इनकी डायमंड की जर्नी को सुन लिया जाए थैंक यू तो रीना मैम दोस्तों नमस्कार आवाज नहीं आ रही भाई क्या बात है ऊपर वाले सारे लोग नमस्कार फिर से आवाज नहीं आई भाई आप लोग सारे हमारे हार्ट बीट है अगर आवाज नहीं देंगे तो मेरी एनर्जी कहां मिलेगी प्लीज जोरदार दोस्तों नमस्कार थैंक यू थैंक यू दोस्तों दोस्तों कुछ भी बोलने से पहले उस परम पिता परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद देती हूं कि मुझे मनुष्य योनि में जन्म दिया दोस्तों और लाख लाख धन्यवाद हम अपने माता पिता को देते दोस्तों कहने को तो इस धरती पे दो दो माता पिता होते हैं एक जन्मदाता और एक कर्मदाता लेकिन दोस्तों आज इस मामले में हम बहुत गरीब हैं ना ही यहां हमारे कर्मदाता हैं और ना ही हमारे जन्मदाता हैं। दोस्तों सबसे बड़ा धन्यवाद सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लिए जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों एक बड़ा धन्यवाद उन पांच डायरेक्टर को जिन्होंने इतनी बड़ी सिस्टम बनाए दोस्तों बार बार उन पांचों डायरेक्टर को बार बार धन्यवाद दोस्तों और दोस्तों आगे बैठे जितने गुरु महागुरु पिता तुल्य इस बिजनेस के पिता जितने पिता माता है सारे लोगों को मेरा पैर छुकर प्रणाम कोटी कोटी न है दोस्तों सारे लोगों को दोस्तों मेरा नाम रीना आर्या है मेरा मायका दोस्तों कोडरमा दिवो हुआ ग्राम पड़ता है और मेरे ससुराल दोस्तों नवादा बरे हुए मेरा ससुराल हुआ दोस्तों लेकिन दोस्तों इस बिजनेस को करने से पहले जब हमारे हस्बैंड से हमारी शादी हुई तो वो पटना में रहा करते थे दोस्तों पटना में बिजनेस कहा करते थे मैं चाहूँगी हमारे अपने हस्बैंड मिस्टर महानंद सरारिया के लिए ज़ोरदार ताली होना चाहिए थैंक यू दोस्तों इस बिजनेस की जर्नी मेरी इस तरह है हमारे हस्बैंड किराना का दुकान चलाया करते थे उससे पहले भी आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा बहुत सारे काम किए उन्होंने दोस्तों मैं कोई अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी हमारे पिताजी भी एक बिजनेस थे और हमारे फादर इन इनला भी बिजनेस थे दोस्तों एक बिजनेस की बेटी और बिजनेस की बहू बिजनस की पत्नी भी बनी दोस्तों मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि बिजनेस में हमेशा उतार चढ़ाव होते रहता है बिजनेस में आ, लेकिन दोस्तों एक दिन अचानक इस बिजनेस की जानकारी देने के लिए हमारे पास हमारी एक ममेरी जेठानी आई और उनके साथ एक सर थे मैं चाहूंगी दोनों के लिए जब मैं नाम लूँ तो जोरदार ताली होना चाहिए हमारी जेठानी का नाम हो गया अंशु मैम और जो उनके साथ सर थे उनका नाम हो गया अभिषेक सर मैं चाहूंगी दोनों के लिए ज़ोरदार ताली होना चाहिए थैंक यू मेरी जेठानी ने आके मुझे प्लान दिया प्लान में दोस्तों मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया केवल यही समझ में आया कि जीवन में एक बार शॉपिंग करना है लेकिन दोस्तों लास्ट में वो जैसे ही बोली कि यहां से कमा सकती हैं सप्ताह का दो लाख महीने का आठ लाख दोस्तों मेरा भी दिमाग हैंग कर गया मैं उनका फोल्डर बंद की और मैं उनको बोली कि आप अपने फंसी फंसी हैं और मुझे भी फंसाने आई हैं सप्ताह का दो लाख कमाना इतना आसान होता है क्या और ये कह के दोस्तों मैंने इस बिजनेस को निगलेक्ट कर दिया ज्वाइन नहीं किया लेकिन आप सारे लोग जानते हैं जिन्हें प्लान मिल जाता है उन्हें लगातार फॉलोअप किया जाता है यशन्हो हमारा भी दोस्तों लगातार फॉलोअप होने लगा मैं इनसे रात में बात की कि दीदी आई हुई थी वो बहुत अच्छे एक सिस्टम के बारे में बताई कि जीवन में एक बार शॉपिंग करके लाखों कमाया जा सकता बिजनेस को लेकर मत आइएगा लेकिन दोस्तों वो भी हार मानने वाली नहीं थी वो फिर अगले दो दिन के बाद हमारे पास आ गई और जब मैं उनको देखती थी तो मुझे टेंशन होने लगता था लगता था इनको और घर में कोई काम नहीं मिलता है क्या बेवजह हमारे पास आ जाती है मुझे परेशान करने के लिए दोस्तों उस दिन मैंने गुस्से में उनसे पूछा क्या आप इस बिजनेस में दो लाख का प्लान दे रही हैं हमको हफ्ते का दो लाख का आप इस बिजनेस में कितना कमाई है दोस्तों उन्होंने क्या किया पर्स से एक दो चेक निकाले कंपनी पहले चेक देती थी जो पुराने लोग होंगे उन्हें मालूम होगा तो उन्होंने एक दो चेक निकाला जो कि हजार दो हजार का चेक था मैंने दोस्तों उनसे पीछा छुड़ाने के लिए कहा क्या कि आप बिजनेस दिखा रही सप्ते का दो लाख का और आप इनकम दिखाती है, हजार दो हजार का जिस दिन जिस दिन आप इस बिजनेस से एक लाख रुपया कमा लीजिएगा ना उस दिन मेरे पास आइएगा मैं इस बिजनेस को ज्वाइन कर जाऊंगी दोस्तों कुछ नहीं बोली उस दिन मेरे घर से चली गई मुझे लगा चलो बला टला अब एक लाख कमाएगी तभी तो मेरे पास आएगी लेकिन दोस्तों हुआ उल्टा वो दो दिन के बाद फिर मेरे पास आ गई और जब मैं उनको फिर से देखी तो मैंने उनसे कहा क्या बात है आप लाख रुपया कमा ली क्या तो उन्होंने कहा नहीं मैंने लाख रुपया नहीं कमाया तो बोले तो फिर क्यों आ गई आप तो उन्होंने कहा जब मेरा आएगा तभी तुमको विश्वास होगा हम बोले बिल्कुल जब आपका आएगा तभी मुझे विश्वास होगा दोस्तों उन्होंने उन्होंने एक एक बहुत छोटा सवाल मुझसे किया कहा अच्छा बात बताओ तुमने कभी जहर खाया है क्या हमने उनसे कहा कैसा अटपटा सवाल है बोले खाया है कि नहीं हम बोले बिल्कुल नहीं तो उन्होंने कहा क्या अच्छा बताओ जहर खाने से होता क्या है हम बोले सारे लोग जानते हैं कि जहर खाने से लोग मरते हैं तो उन्होंने कहा जब तुमने खाया नहीं तो तुम्हें कैसे पता कि जहर खाने से लोग मरते हैं मैंने कहा बाहर की दुनिया में बहुत सारे लोगों को देखा है सुना है कि फलाने व्यक्ति के घर में लोगों ने जहर खाया दुनिया में नहीं है दोस्तों उनका ये बात सुनकर उन्होंने कहा कि जब बाहर की दुनिया में यह देखकर सुनकर विश्वास हो सकता है कि जहर खाने से लोग मरते हैं तो इस बिजनेस में क्यों नहीं विश्वास होता कितने सारे लोग इसमें काम किए सप्ते का दो लाख महीने का आठ लाख रुपए कमा रहे हैं दोस्तों उनका बात में दम था उन्होंने एक बात और कहा हम सारे हम यहाँ बहुत सारी लेडीज लोग बैठी हैं उन्होंने कहा हम लेडीज हैं हम चावल बनाते हैं चावल हुआ या नहीं हुआ ए देखने के लिए एक या दो दाना देखते हैं पूरी तसली उछल के नहीं देखते हैं हम बोले हाँ बिल्कुल सही एक या दो दाना देखते हैं तो बोली जब एक दो दाना देखने से पता चल जाता है कि पूरा चावल हो गया है तो इस बिजनेस में एक दो चेक देखने से क्यों नहीं विश्वास होता है कि जब काम हुआ तो हजार रुपया का चेक आया दो हजार का चेक आया तो काम होगा तो दो लाख का भी चेक आएगा दोस्तों उनका बातों में दम था मैंने बोला कि ठीक है मैं डिसीजन लेती हूँ लेकिन दोस्तों मेरे हस्बैंड एकदम क्लियर कट मना कर चुके थे कि कोई कीमत सब कंपनी के चक्कर में नहीं पड़ना लेकिन दोस्तों उसी समय पटना में फंक्शन होने वाला था और मेरी जेठानी ने आकर मुझे एक टिकट दिया टिकट का प्राइस था तीन सौ रुपया संडे का प्रोग्राम था उन्होंने कहा क्या कि पटना में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है बस उस प्रोग्राम में तुम आ जाओ दोस्तों मैंने पहले मना कर दिया कि तीन सौ रुपया फालतू का क्यों लगाना जब मुझे इस बिजनेस को करना ही नहीं है तो उन्होंने कहा क्या कि तुम आओगी तो भी मेरा तीन सौ लगा तुम नहीं आओगी तो भी मेरा तीन सौ जाएगा क्यों क्योंकि मैंने ये टिकट तुम्हारे लिए खरीदा दोस्तों मैं तो उस समय मना कर दी लेकिन वो जबरदस्ती मेरे टेबल पर टिकट रख कर चली गई जब रात को मैं अपने हस्बैंड को बताई तो इन्होंने कहा क्या कि कोई कीमत पर नहीं जाना है लेकिन दोस्तों खाना वाना खाने के बाद इन्होंने कहा कि चली जाओ फैमिली वाला बात है अगर नहीं जाओगी तो उन्हें बुरा लग जाएगा और दोस्तों बस उनका मान रखने के लिए मैं इस प्रोग्राम में गई और उस प्रोग्राम में जब गई तो वहां देखे क्या कि क्या हजारों की लोगों की भीड़ थी दोस्तों सारे लोग ड्रेस कोड में थे और दोस्तों जब डायमंड लोग की एंट्री हो रही थी तो क्या गुलाब का पंखुड़ी बरसाया जा रहा था माला पहनाया जा रहा था ये जो मान सम्मान था ना मुझे यहाँ लगा दोस्तों और लगा क्या कि कुछ बे हो जाए आज जो व्यक्ति की एंट्री हो रही है जिसे इतना मान सम्मान मिल रहा है वो कोई आम आदमी नहीं है उन्होंने मेहनत किया तभी इतना सम्मान मिल रहा है दोस्तों वो चीज तो मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन सबसे सबसे अच्छा चीज ये लगा कि मेरी जेठानी को भी स्टेज पे बुलाया गया केवल और केवल उनके अठारह लोगों की टीम थी और उन्हें माला पहनाया गया ट्रॉफिक मिला और दो मिनट के लिए माइक मिला बोलने के लिए यहां लेडीज लोग हैं सब लेडीज लोग जानती होगी कि लेडीज में एक चीज कूट कूट के भरा होता है जानना चाहेंगे क्या वो होता है जलनशील जब एक लेडीज दूसरे लेडीज को सफल होते देखती है ना तो टीस जैसा लगता है कि मुझे भी वो चीज़ मिले चाहिए और जब मैं अपनी जेठानी को स्टेज पे सम्मानित होते देखे तो मुझे भी लगा कि मेरे हस्बैंड दुकान कर रहे हैं मैं भी दुकान पे उनका साथ देती थी मुझे लगा कि मेरा जान पहचान केवल गली मोहल्ले तक ही सीमित रह जाएगा लेकिन अगर इस बिजनेस को करती हूं और इस हॉल में हजार लोग बैठे हैं तो हजार लोग मुझे पहचानेंगे और बस यही चीज सोचकर बैठे बैठे लगा कि मैं इस बिजनेस को हर कीमत पे करूंगी और दोस्तों मैंने उनको जेठानी को कहा कि मैं इस बिजनेस को करना चाहती हूं जब मैंने इतना कहा तो उन्होंने क्या किया कि पर्स से कुछ पैसा निकालने लगी मुझे लगा भाई पैसा तो मुझे देना फिर ये क्यों निकाल रही है तो इन्होंने कहा देखो अभी दो ज्वाइनिंग मेरे पास आया हुआ है अगर तुम अभी कर लोगी तो ये दोनों ज्वाइनिंग तुम्हारे नीचे आ जाएगा लालच तो हर किसी के पास होता है मेरे पास भी था मैंने तुरंत एक्सेप्ट किया कि ठीक है मैं इस बिजनेस को अभी ही करूंगी और क्या क्या दोस्तों हॉल से सीधा मैं घर गई मेरी जेठानी भी हमारे साथ आई लेकिन उस समय मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे वो मारूगंज बांध लाने के लिए गए मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने बस दो लाइन में कहा काफी जाम है मैं आ रहा हूं रखो फोन बस इतना कह उन्होंने फोन काट दिया मुझे लगा कि पैसा तो किसी गैर को मैं नहीं दे रही हूँ फैमिली ये क्या दिक्कत है और मेरे पास कुछ पैसे थे मैंने उनको दे दिया दोस्तों जब वो घर चली गई उसके बाद जब मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने कहा क्या कि प्रोग्राम कैसा लगा दोस्तों उस प्रोग्राम में एक डायलॉग बहुत अच्छा लगा था कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग यही चीज मुझे बहुत अच्छा लगा था और मेरे हस्बैंड बोले क्या कि तुम बिजनेस देखी कैसा लगा हम बोले कैसा लगा ये तो नहीं पता लेकिन आज बहुत अच्छा चीज सीखे है तो उन्होंने कहा क्या हम बोले दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग और दोस्तों इस बात को मैंने उनके पास दो तीन बार रिवीजन कर दिया और दो तीन बार रिवीजन करने के बाद उन्होंने कहा क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या क्या सीखी आ गई आलतू फालतू चीज पैसा वैसा नहीं, नहीं दिया बिजनेस में कोई कीमत पे ज्वाइन नहीं करना मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने पैसा भी दे दिया बस इतना ही बोलना था कि दोनों में महाभारत स्टार्ट और इन्होंने कहा लेडीज लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है बड़े बुजुर्ग ठीक कहा गए लेडीज का नाक नहीं रहे तो बहुत सारे पुरुष लोग बोलते होंगे दोस्तों उनका ये जो डायलॉग था ना मुझे बहुत तकलीफ दिया उन्होंने कहा क्या कि मैं ये बारह हजार रुपया अगर दुकान में लगाऊंगा तो क्या लगता है उसे मैं पाँच सौ रुपया नहीं कमाऊंगा तुम कल के कल जाओ और पैसा मांग कर लाओ दोस्तों मुझे भी लगा कि ये सही बोल रहे हैं। और कहा कि मैंने अब बच्चे लोग को स्कूल छोड़ी अब स्कूल छोड़ने के बाद मैंने अपनी जेठानी से पैसा लाने के लिए चला गया कि मुझे पैसा दे दीजिए वैसा पैसा किस काम का जो पति पत्नी में तू तू मैं मैं होते रहे वो भी बहुत ईमानदार थी उन्होंने एक बार में मेरा पैसा वापस कर दिया और जैसे ही मैं उनके घर से निकल रही थी तो निकलते निकलते उन्होंने एक बात कहा रीना मैं ऐसा करूं मैं तुम्हारा तुम्हारा पूरा पैसा लगा दूं जब तुम्हारा चेक आएगा तब तुम मुझे वापस कर देना दोस्तों हमारी एक आईडी से नहीं तीन आईडी से ज्वाइन थी तो मुझे उस समय लगा कि जब इनको इतना विश्वास है ये तीन तीन आईडी से ज्वाइन है तो एक बार तो मुझे भी फर्ज बनता है विश्वास करने का और फिर से मैंने वो पैसा उनको रिटर्न कर दिया

पता नहीं माता रानी ने कहाँ से मुझे शक्ति दे दिया मैंने भी उससे ऊंची जोरदार आवाज में कहा आप समझिए मर रहे हैं और आप मुझे दान में दे रहे हैं <ख़ाँगा> बस दोस्तों इसी बात पे चुप हो गए कुछ भी नहीं बोले और दोस्तों मैं घर चली गई घर तो चली गई लेकिन हार्ट बीट मेरा बढ़ा हुआ था कि दुकान पे तो बात टल गई लेकिन जब रात में आएंगे तो क्या होगा लेकिन दोस्तों जब रात में दुकान बढ़ा के आए थोड़ा सा तड़क फड़क में हम ही थे है ना तो उन्होंने कहा क्या खाने पीने खाने के बाद इन्होंने कहा क्या अरे पागल पैसे वाली बात यहां नहीं है ठीक है तुम पैसा दे रही हो सामान आ रहा है यहां बात है ज्वाइन करने वाला जोड़ने वाला अगर दो आदमी तुमसे नहीं जुटेंगे तो तुम ही बताओ तुमको इस बिजनेस में ज्वाइन करने से क्या फायदा और कोई आदमी पागल है क्या तुम्हारे जैसा जो फालतू में दस बारह हजार रुपया लगाएगा अब इनका बात सुन के तो हमको भी टेंशन हो गया लेकिन दोस्तों उस समय मैंने हिम्मत जुटाया और मैंने कहा जो होगा वो बाद में सोचा जाएगा इन्होंने कहा मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा मैंने कहा मुझे मंजूर है मैं भी अकेले करके दिखाऊंगी और दोस्तों उस दिन रात भर मुझे नींद नहीं आई रात भर नींद आई इसी टेंशन में कि भाई ये मेरे पतिदेव है कोई दुश्मन नहीं है ये बोल रहे हो सकता वो अगर बात सच हो गया अगर मैं किसी आदमी को ज्वाइन नहीं करवा पाई तो फिर मेरा क्या होगा लेकिन दोस्तों अगले ही दिन मेरा भाई ने मुझे फोन किया जो कि नवादा डिस्ट्रिक्ट में रहता है उन्होंने उसने फोन किया मुझे और बातों बात में उसने बोला दीदी लग रही है काफी टेंशन में हो क्या बात है दोस्तों मैंने उसे पूरी बात बता दी उसने तुरंत एक बार में कहा कि दीदी जब इतनी बड़ी बिजनेस है तो ऐसा करो एक आईडी मेरा लगा दो और उसने दोस्तों मेरे अकाउंट एक, में नौ हजार नौ सौ नब्बे रुपया तुरंत ट्रांसफर किया मैं चाहूंगी कि मेरे भाई महेश कुमार वर्णवाल के लिए जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों खुशी तो बहुत मिली कि चलो सारे ऐसे लोग भी हुए जो फॉर्म भी साइन अप किए पैसा भी दिए ज्वाइन भी किए और हमारा बिजनेस दोस्तों चलने लगा हमारा बिजनेस चलने लगा कुछ लोगों की हमारी टीम बनी कुछ लोगों यानी केवल सेवन यानी सात लोगों की हमारी टीम बनी और उसी बीच हमें मौका मिला डायमंड शिप जाने का मैं चाहूँगी सतीश सर के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए थैंक यू सर सतीश सर का डायमंड शिप था और मुझे मौका मिला डायमंड शिप में आने के लिए मैंने इनसे ये नहीं कहा कि डायमंड शिप में जाना है मैंने इनसे केवल ये कहा कि ताजमहल घुमाने ले जाना है इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है चलो पूरी फैमिली दुकान से तो कमाना खाना है ही और दोस्तों मैं जब ट्रेन पे चढ़ी तो देखिए क्या पूरा ट्रेन ही सेफ सॉफ था जिसको देखिए सेफ सॉफ कहीं चर्चा लोग कर रहे थे इन्होंने कहा क्या ट्रेन में क्या हो रहा है हम बोले कुछ नहीं सारे लोग आपको रेस्पेक्ट कर रहे हैं क्योंकि सब लोग इनको नमस्ते कर रहे थे तो बोले क्या मैं तो किन्हीं को पहचानता ही नहीं हूँ तो यहाँ क्या हो रहा है हम बोले कुछ नहीं है सारे लोग आपको रेस्पेक्ट कर रहे हैं दोस्तों उसी ट्रेन में हमारे एक महागुरु जी मिले जिन्होंने मेरा बहुत केयर किया मैं चाहूँगी एक जोरदार ताली हो जाए मिस्टर अनिल पासवान सर के लिए दोस्तों

उस समय मुझे नहीं मालूम था कि वो हमारे भी अपलाइन है ये चीज मुझे नहीं मालूम था लोग दोस्तों लेकिन जब उनकी बहुत सारी बातें सुने उसके बाद वो हमारे पास आए और हमको बोले मैडम आपको बिजनेस विश्वास है हम बोले थोड़ा थोड़ा बोले थोड़ा थोड़ा हम बोले हाथ सर तो नहीं नहीं आपका तो नाम बहुत बढ़िया है आप तो बहुत अच्छा इस बिजनेस में करिएगा आप तो बहुत कम समय में बहुत अच्छे लोगों को ज्वाइन करवा दिए दोस्तों आज उसी गुरु गाइडलाइन में हम काम करने कर, कर रहे हैं दोस्तों आज वैसे गुरु वैसे मेंटर जिनको जि...